सो गाइस, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही था कि मैंने अभी कुछ सामान देख बना लिया था और अब मैं पहुंच चुका हूं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने जिसका आपसे बोला था, तो अभी मैंने कुछ ये आयरन मिल गए मुझे, कुछ ये सब सामान मिल चुके हैं। मेरे फ्रेंड ने मुझे दे दिए थे ये कुछ सामान, तो देख सकते हो अभी हमने एक पोर्टल बनाया है, तो हम उसको लाइट अप कर देते हैं बिकॉज हमें नेदर में जाना भी ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी हम ऐसा करते हैं, माइनिंग पे निकलेंगे, तो उसके लिए एक बार सामान सब सॉर्टेड कर लेते हैं। तो पहले अपन ऐसा कर लेते हैं, एक्स रख लेते हैं, ये सब सामान रख लेते हैं। और मैंने सोचा है कि अभी अभी हम ऐसा करेंगे, हाँ अभी हम थोड़ा सामान रख लेते हैं, ब्लॉग वगैरह और ये शुगर केन वगैरह, इन सबको भी हमें दूसरी जगह पे रखना है। मेरे पास खाना बहुत है, अभी खाने की कमी बिल्कुल भी नहीं है। और ये बायोम है ना, उसमें मुझे बेरीज भी बहुत मिली, तो अभी नेदर में हम नहीं जाएंगे। अभी हम ऐसा करते हैं, माइनिंग की तैयारी कर लेते हैं, उसमें लगा देते हैं अपना रिस्पॉन्स सेट। और कुछ सामान लेना बाकी है, वाटर बकेट ले लेते हैं, इसकी ज़रूरत तो हमें बहुत पड़ेगी माइन में। और अब हम चलते हैं माइन की तरफ, इधर साइड चलते हैं या फिर इधर साइड चले, तो हम देखते हैं हमें किधर से जाना चाहिए। खाने की कमी तो नहीं होगी, एक बार चेक कर लेते खाना ले कि ले। और ब्लॉक हमने ले लिए, कोबलस्टोन ब्लॉक, और ये कुछ टॉर्च ले लिए। अभी हमारे भी सामान रह गए थे, और अभी हम जो इन्वेंट्री है उसको सॉर्टेड कर लेते हैं, तो सब सही है अभी तो। और अपना एक क्राफ्टिंग टेबल रख लेते हैं, और ये चेस्ट में कुछ सामान, ये जो फर्नेस है उसको ले लेते हैं, कि हमें वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो अभी हम चलते हैं माइनिंग की तरफ। तो अभी देख सकते हो, अभी हमारा मन कर रहा कि हम स्ट्रीट डाउन करें, तो हम चुके हैं स्ट्रीट डाउन करने की तरफ। तो हम स्ट्रीट डाउन कर रहे हैं, अभी हमें कोपर मिला, लेकिन ऐसा कुछ काम ही नहीं है, तो हम आगे चलेंगे। तो हम फटाक से स्ट्रीट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम डायमंड को फाइंड भी करना है, लेकिन उसके लिए हमें ज़्यादा आयरन चाहिए। तो अगर हमें बीच में आयरन मिलता है, तो हमारी किस्मत तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी पाने जाएगी। पूरा डिग डाउन करते रहते हैं जब तक हमारे पास आयरन नहीं आ जाए, क्योंकि आयरन आए ना, ये मिल गया आयरन, बोला ही था आयरन की बात, तो आयरन मिल ही गया। तो फटाक से पूरा आयरन तोड़ लेते, क्योंकि अभी हमारे पास पिकेक्स भी नहीं है आयरन की बनाने के लिए, आयरन नहीं है, इसलिए हम फटाक से आयरन तोड़ लेते हैं, क्योंकि अब हमें आयरन की सख्त ज़रूरत पड़ेगी डायमंड माइनिंग में, इसलिए फटाक से हम तोड़ लेते पूरा का पूरा आयरन। सो गाइस, सब देख हम ऐसा करते हैं, रात हो रही है तो बेड लगा लेते हैं और एक बार सो जाते हैं, तो मैं मिलता हूँ आपको सोने के बाद। तो गाइस देख सकते हो, हम सो के उठ चुका हूँ, तो बेड वगैरह फर्नेस में आयरन पटक देते हैं, और इसका टाइम देखते हैं कब तक होगा स्मेल, तो मैं मिलता हूँ आपको आयरन स्मेल करने के बाद। सो गाइस, आयरन में मैंने पीएक्स बना लिए स्मेल्ट वगैरह करके। अब हम फटाक से एक अभी हम एक एक्स बना लेते हैं। सो गाइस, पता नहीं लैग हो जाता है इस एसएमपी में, तो हमने केक्स बना लिए हैं। हमारे आयरन आयरन के जो टूल्स हैं वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। फटाक से क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ते हैं और चलते हैं नीचे की डिग डाउन की तरफ। तो हम फटाक से यहाँ से डिग डाउन कर लेते हैं, और दो दो ब्लॉक अब डिग डाउन करेंगे, बिकॉज नीचे में पता नहीं कुछ भी आ सकता है। और बॉटल रखे जाते जाते कर लेंगे, फटाक से हम तोड़ लेते हैं नीचे तक। तो देख सकते हो अभी अंधेरा होना स्टार्ट हो रहा है, तो हम टॉर्च अच्छी बात लेके आ गए, भूल जाते नहीं तो हम लाना है टॉर्च। तो फटाक से देख सकते, हम दो दो ब्लॉक कर रहे हैं, और हमें ये क्या, नीचे तो एक केव है, तो हमें एक मिल चुकी है नीचे केव, तो हम अभी नीचे कूदेंगे, लेकिन थोड़ा अच्छा पानी वाली जगह में देख के। तो हम देख लेते हैं इस साइड कहीं से अच्छा जगह मिलता है कूदने का, अगर यहाँ से गिरे और अगर मर गए तो हमारा जितना भी सामान है वो सब चले जाएगा। तो हमारे पास अच्छी बात, मैंने स्टोन पिकेक्स दो बना ली थी, तो हम फटाक से तोड़ के देख लेते हैं। इधर इधर भी है केव, तो हम ऐसा करते हैं इधर ही कूद जाते हैं। तो फटाक से सामान देख लेते हैं पहले सब, तो ब्लॉक रख लेते हैं, अगर अगर
इसको बंद करके थोड़ा आगे चल के देखते हैं कि अगर अब ये हम एक टॉर्च लगा देते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही अंधेरा है, ज़ोंबी स्पॉन हो गए तो हम मर भी सकते हैं। फटाक से बहुत आगे तोड़ लेते हैं, अगर हमें बिकॉज बीच में कुछ मिल गया तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसको तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत खतरा है, तो हम ऐसा करते हैं दूसरी जगह चलते हैं, टॉर्च ले लेते हैं। तो अब हमें कूदना तो पड़ेगा। तो गाइस हम इस लिलीपुट के ऊपर कूद चुके हैं, तो नीचे आ गए हम। तो देख सकते हो कितनी मस्त लगती है ये वाली केप। तो हम फटाक से इसमें आयरन वगैरह ढूंढते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ही मिलते हैं और हमें कोल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले ब्लॉक ऊपर करके देख लेते हैं कोई जोम्बी वगैरह तो नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे अंधेरा भी है। वो हमें आयरन दिख गया, रुको हम आयरन तोड़ लेते हैं पूरा जितना भी है, फटाक से पूरा आयरन तोड़ लेते हैं। सो गाइस हमने यहाँ तो आयरन तोड़ लिया है, अभी हम और आयरन ढूंढते हैं क्योंकि यहाँ पे तो बहुत आयरन मिलता है। इसको तोड़ते हैं 2 मिनट, चलो आयरन तोड़ते हैं। उधर देख लेते हैं अगर हमें और मिलता है तो। सो गाइस वो दिखा आयरन, 2 मिनट तोड़ लेते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद पूरे टोटल आयरन तोड़ने के बाद। सो गाइस मैंने तोड़ लिया, इसको स्मेल्टिंग में भी लगा दिया इस आयरन को। ये आयरन स्मेल्ट हो रहा है अभी भी। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे अभी आयरन जो है स्मेल्ट हो रहा है, और हम इसके अभी कपड़े वगैरह मतलब आर्मर जो है उसको बना लेंगे। तो हमें एक लेगिंग बनाना है, इसको भी फटाक से बना लिया हमने, पहन लेते हैं। हमारा पूरा आयरन बन चुका है, तो हम फर्नेस को तोड़ लेते हैं क्योंकि अब हमें ज़रूरत नहीं है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।